हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको आरिचल 6 में कैसे पार्टीशन क्रिएट करते हैं, हार्ड डिस्क कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं या हार्ड डिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये बताऊंगा। जीनोम यूटिलिटी के थ्रू पार्टीशनिंग करना और पार्टीशन को आइडेंटिफाई करना इस सेशन में ये सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले लिनक्स में ये बेसिक चीज़ जानना ज़रूरी है कि हार्ड डिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैं यहाँ पर आपको हार्ड डिस्क के बारे में बता रहा हूँ। विंडोज़ में अगर आप बात करते हैं तो विंडोज़ में अगर आपके पास डिस्क है, अगर डिस्क वन है तो उसके बारे में विंडोज़ आपको बोलता है कि डिस्क ज़ीरो। आप उसको फाइंड आउट करते हो डिस्क मैनेजमेंट पे जाके डिस्क ज़ीरो। अगर ये 500 GB की है तो आप यहाँ से 500 GB का डिस्क देख पाते हो। अगर विंडोज़ में दो हार्ड डिस्क कनेक्टेड हैं तो दूसरी हार्ड डिस्क को मान लीजिए वो 320 GB की है तो 320 और उसको डिस्क वन शो करता है डिस्क मैनेजमेंट पे। अगर आपके पास पेन ड्राइव लगी हुई है, पेन ड्राइव भी शो करता है। और उस पेन ड्राइव को जो शो करेगा उसको डिस्क टू शो करेगा। तो अगर आपको पार्टीशन क्रिएट करना होता है विंडोज़ में तो आप पहली डिस्क मैनेजमेंट पे जाते हैं। वहाँ से आप अगर आपके पास दो हार्ड डिस्क कनेक्टेड हैं तो डिस्क ज़ीरो और डिस्क वन शो करता है, वहाँ से आप पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। पार्टीशन कितने होते हैं लिनक्स में ये जानते हैं हम लोग कि लिनक्स में कितने पार्टीशन होते हैं। तो सबसे पहले लिनक्स में एक प्राइमरी पार्टीशन होता है। देन उसके बाद आप एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। देन एक्सटेंडेड के अंदर आप लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। यस, इसके अंदर आप लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हो। अभी लिनक्स में क्या है कि आप प्राइमरी पार्टीशन, जैसे विंडोज में प्राइमरी पार्टीशन मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। जब मैक्सिमम 4 पार्टीशन आप क्रिएट करोगे लिनक्स में तो एक्सटेंडेड एक भी नहीं बन पाएगा, और जब एक्सटेंडेड नहीं बनेगा तो कोई लॉजिकल भी नहीं बनता है। अब अगर आप प्राइमरी पार्टीशंस 3 कर देते हैं तो आप उसके अंदर एक एक्सटेंडेड बना पाएंगे, और लिनक्स में आप 15 मैक्सिमम लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप इस प्राइमरी पार्टीशन के नंबर्स को कम कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सटेंडेड एक से ज़्यादा बना पाएंगे। तो 3 प्राइमरी पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हैं और एक एक्सटेंडेड, उसके अंदर आप 15 लॉजिकल पार्टीशन मैक्सिमम क्रिएट कर सकते हैं। ये इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है। और ये पार्टीशन जो आप क्रिएट करते हो ये लिनक्स में आप एप्लीकेशन सिस्टम टूल एंड डिस्क यूटिलिटी, ये यूटिलिटी के थ्रू आप क्रिएट करते हो। इस टाइप के पार्टीशनिंग मेथड को हम स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग मेथड बोलते हैं। इस मेथड की
कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे क्या ड्रॉबैक है कि आप इसमें मैक्सिमम 15 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, तीन पार्टीशन आप प्राइमरी बना सकते हो, एक एक्सटेंडेड बना सकते हो, इससे ज़्यादा अगर आपको पार्टीशन क्रिएट करना है तो आप उससे ज़्यादा पार्टीशन क्रिएट नहीं कर पाओगे। इसीलिए लिनक्स में LVM का कॉन्सेप्ट आया है, LVM के थ्रू आप पार्टीशन को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मैनेज कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। यहाँ कॉन्सेप्ट आपको ये बताना था कि प्राइमरी पार्टीशन या कितने पार्टीशन होते हैं लिनक्स में, कितने क्रिएट कर सकते हो और कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी ये बेसिक थ्योरी थी पार्टीशन की, अब हम सीखते हैं कि कैसे पार्टीशन क्रिएट करते हैं। पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आपको जीनोम डिस्क यूटिलिटी का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, सिस्टम टूल पे जाएंगे, यहाँ से आप डिस्क यूटिलिटी पे क्लिक करेंगे। डिस्क यूटिलिटी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख पाएंगे लोकल स्टोरेज के अंडर में पाटा होस्ट अडाप्टर है और ये हमारे पास 64 GB हार्ड डिस्क, ये 64 GB का हार्ड डिस्क है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा की हार्ड डिस्क है तो यहाँ पे कैपेसिटी वो शो करेगा, अगर आपके पास 500 GB है तो यहाँ कैपेसिटी 500 GB शो करेगा, अगर आपके पास 320 GB का हार्ड डिस्क है तो यहाँ पर कैपेसिटी 320 GB शो करेगा। इस केस में यहाँ पर हार्ड डिस्क जो है वो 64 GB का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वॉल्यूम के अंडर में 1, 2, 3 ये तीन पार्टीशन बने हुए हैं। पहले पार्टीशन पे क्लिक कर रहा हूँ तो फाइल सिस्टम शो कर रहा है यूजेस पार्टीशन टाइप लिनक्स का पार्टीशन बेसिक पार्टीशन है। देन पार्टीशन फ्लैग जो है यानी कि बूटेबल पार्टीशन है और किसके अंदर ये माउंट है, माउंटिंग पॉइंट को अभी मैं समझते हैं इसको थोड़ी देर में, पहले ये जान लेते हैं कि कहाँ पर माउंट है बूट के अंदर। 13 GB का मैंने पार्टीशन बनाया है, टाइप ext4 है, माउंटेड है स्लैश के अंदर। 4.7 GB का स्वैप पार्टीशन है जो कि माउंट नहीं है, ये माउंट नहीं होता, ये स्वैप पार्टीशन वर्चुअल मेमोरी होता है। सो माउंटिंग का मतलब होता है जैसे विंडोज में क्या करते हैं कि पार्टीशन जब क्रिएट करते हैं तो पार्टीशन ऑटोमेटिकली किसी ड्राइव पे माउंट हो जाता है, जैसे ई ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। अगर हम ड्राइव लेटर नहीं असाइन करते हैं तो पार्टीशन हमें कंप्यूटर के अंदर शो नहीं करता है। सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है लिनक्स में, अगर आप पार्टीशन माउंट नहीं करते हैं तो पार्टीशन को आप यूज नहीं कर पाते हैं, भले ही आप पार्टीशन कितने भी क्रिएट कर लें। वहां पर आप ड्राइव के अंदर किसी ड्राइव लेटर के अंदर असाइन करते हो, पार्टीशन को माउंट करते हो। यहां पर आपको जो माउंटिंग करनी होती है लिनक्स में वो किसी डायरेक्टरी के अंदर करनी होती है। डायरेक्टरी हमें क्रिएट करना पड़ता है, उसके अंदर हम पार्टीशन को, जिस नंबर का पार्टीशन होता है उसके अंदर हम उसको माउंट कराते हैं। यहां पर एक चीज समझते हैं कि हार्ड डिस्क को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, हार्ड डिस्क को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। लिनक्स में अगर आपके पास एक SSD है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक हार्ड डिस्क है जिसकी कैपेसिटी 320 GB है या एक हार्ड डिस्क लगी हुई है उसके अंदर 320 GB कैपेसिटी है, या मेरे केस में तो यहां पर 64 GB है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं 320 GB। तो ये 320 GB का HDD यहां पर आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपके पास हार्ड डिस्क साटा अटैच्ड है सिस्टम से और उस पर RHEL 5 या 6 इंस्टॉल्ड है, तो साटा के केस में जो शो करेगा वो कैसे शो करेगा, /dev/sda SD हार्ड डिस्क अगर साटा अटैच्ड है, /dev/sd। नाउ
अभी अगर आपके पास हार्ड डिस्क एक कनेक्टेड है, जैसे उस केस में मैंने आपको बताया कि डिस्क जीरो, डिस्क वन, डिस्क टू, वैसे अगर आपके पास हार्ड डिस्क वन है, एचडीडी, ये एचडीडी आपकी, अगर एचडीडी वन है HDD 1 है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में SD A शो करेगा, पार्टीशन साइज क्या शो करेगा? SD A हार्ड डिस्क, सॉरी, अगर आपके सिस्टम में साटा हार्ड डिस्क एक लगी है तो स्लैश देव स्लैश SDA शो करेगा। अगर उसी केस में आपके पास हार्ड डिस्क दो हो जाती है, यानी हार्ड डिस्क टू, तो उसको कैसे शो करेगा? दूसरी हार्ड डिस्क के केस में आपके पास, अगर आपके पास दो हार्ड डिस्क हैं, एचडीडी एचडी वन एचडी टू, और ये आपकी हार्ड डिस्क जो है वो मान लीजिए आपके पास 500 GB की है, तो इस केस में, और हार्ड डिस्क टाइप जो है वो भी वो साटा ही है, तो इस केस में क्या शो करेगा? स्लैश देव स्लैश एस डी बी शो करेगा, एस डी बी, यानी कि फर्स्ट हार्ड डिस्क को रिकॉग्नाइज करेगा ए के फॉर्मेट में, जो लेटर होगा करेक्टर होगा लेटर, उसको एस डी ए, और सेकेंड हार्ड डिस्क को शो करेगा एस डी बी। यहाँ डिस्क जीरो डिस्क वन नहीं शो करता है, तो साटा के केस में स्लैश देव स्लैश एस डी बी स्लैश एस डी ए, ये हार्ड डिस्क आपकी फर्स्ट हो गई और ये सेकेंड हो गई। और यहीं अगर आपके पास हार्ड डिस्क पाटा हो, ये जो मैंने अभी तक ये इतना पोर्शन बनाया ये आपका था साटा के केस में, लेकिन अगर यहीं आपके पास हार्ड डिस्क साटा की बजाय पाटा हो जाती है, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क आपकी एच डी डी वन है, एच डी डी वन, ये आपकी फॉर एग्जाम्पल ये हार्ड डिस्क 160 GB की है, और हार्ड डिस्क जो है वो पाटा है। तो लिनक्स पाटा को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? स्लैश देव स्लैश एच डी, नंबर ऑफ पार्टीशन, नंबर ऑफ हार्ड डिस्क अगर एक है तो एच डी ए, और वहीं अगर आपके पास दो हार्ड डिस्क हो जाती हैं, हार्ड डिस्क, और ये आपकी हार्ड डिस्क जो है, अगर ये भी मान लीजिए आपकी 250 GB की हार्ड डिस्क है, और इसका एच डी डी टू है, ये सेकेंड हार्ड डिस्क है और पाटा है, तो इसको क्या शो करेगा? स्लैश देव स्लैश एच डी बी शो करेगा, एंड सो ऑन। अगर तीन हार्ड डिस्क हैं तो एच डी सी स्लैश देव स्लैश एच डी सी, चार हार्ड डिस्क हैं तो स्लैश देव स्लैश एच डी डी शो करेगा। तो इस तरीके से लिनक्स पार्टीशन को आइडेंटिफाई करता है, और हार्ड डिस्क को आइडेंटिफाई करता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हार्ड डिस्क, नंबर ऑफ हार्ड डिस्क तो इतना है, और अगर इसके अंदर पार्टीशन की बात कर दें, तो यहां पर साटा के केस की बात करते हैं, साटा में पार्टीशन की बात करते हैं। अगर एक पार्टीशन है साटा में तो स्लैश देव स्लैश एस डी ए वन, और अगर दो पार्टीशन है तो स्लैश देव स्लैश एस डी ए टू, ऐसे ही अगर तीन हार्ड डिस्क, तीन पार्टीशन है तो एस डी ए
3 हो जाएगा, SDA4, SDA5, SDA6, जितने नंबर ऑफ पार्टीशन आप क्रिएट करोगे। अगर साटा 2 के केस में साटा 2 हार्ड डिस्क है, दूसरी हार्ड डिस्क है, तो SDB1, SDB2, SDB3 ऐसे क्रिएट होगा। यहाँ पर आपको सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव ऐसा शो नहीं करता है। वैसे ही सेम जैसे साटा के केस में, वैसे ही पाटा के केस में अगर नंबर ऑफ पार्टीशन आपके 3 हैं, 4 हैं, तो यहाँ पर शो करेगा स्लैश देव स्लैश HDA1, देन सेकेंड पार्टीशन के लिए स्लैश देव स्लैश HDA2, थर्ड पार्टीशन के लिए स्लैश देव स्लैश HDA3 एंड सो ऑन। जैसे नंबर ऑफ पार्टीशन आप बढ़ाते जाएंगे वैसे ही आपका पार्टीशन बढ़ता जाएगा, वैसे ही शो करता है लिनक्स में। सो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ अभी डिस्क यूटिलिटी के थ्रू हम सीखते हैं कि कैसे हार्ड डिस्क को आइडेंटिफाई, जो मैंने समझाया आपको वो यहां से आप देख भी सकते हैं। इसके लिए स्टार्ट एप्लीकेशन पे जाएंगे, स्टार्ट करते हैं और एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, टूल्स पे जाते हैं, सिस्टम टूल। यहाँ पर आपको डिस्क यूटिलिटी, एक जीनोम यूटिलिटी है जिसके थ्रू आप पार्टीशन क्रिएट करते हैं और पार्टीशन को देखते भी हैं। ये हमारे पास 64 GB की हार्ड डिस्क है। कौन सी हार्ड डिस्क है ये कैसे पता लगा सकते हैं? यहाँ ये देखिए, बाकी यहाँ सीरियल भी लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्टीशन पे मैंने क्लिक किया है माउस को, तो यहाँ डिवाइस का नंबर और नाम शो कर रहे हैं, स्लैश देव स्लैश SDA1 SDA, दैट मीन्स कि एक हार्ड डिस्क है। दूसरे पार्टीशन पे क्लिक कर रहा हूँ तो स्लैश देव स्लैश SDA2 शो कर रहे हैं, तीसरे पे क्लिक कर रहा हूँ तो स्लैश देव स्लैश SDA3 शो कर रहे हैं, चौथा फ्री पार्टीशन है। जैसे चौथे पार्टीशन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट अ न्यू पार्टीशन का ऑप्शन आ गया। अगर मैं पहले पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर पार्टीशन बनाने के लिए ऑप्शन कोई नहीं आ रहा है। आप पार्टीशन अनमाउंट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या पार्टीशन को एडिट कर सकते हैं। एक पार्टीशन क्रिएट करते हैं, फ्री पार्टीशन पे जाते हैं और यहाँ से क्रिएट करते हैं। देन अब यहाँ से साइज आप इस बार से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं स्क्रॉल करके, या आप यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो यहाँ कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 5 GB पुट कर रहा हूँ, या अगर आप 5 GB पुट करेंगे तो होगा क्या, हमारे पास 1, 2, 3 पार्टीशन ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं और ये तीनों पार्टीशन प्राइमरी पार्टीशन है। यहाँ आप देख सकते हैं ये तीनों प्राइमरी हैं, पहला पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन, तीसरा पार्टीशन। ये तीनों पार्टीशन सिस्टम पार्टीशन और प्राइमरी पार्टीशन है। इसके अलावा अब चौथा पार्टीशन, एक पार्टीशन आप क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से अगर फुल वैल्यू देते हो तो आप प्राइमरी एक पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो या एक्सटेंडेड क्रिएट कर सकते हो। अगर आप प्राइमरी एक पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं तो उसके अंदर आप कोई लॉजिकल पार्टीशन नहीं क्रिएट कर पाएंगे, एक ही पार्टीशन रहेगा, उसी के अंदर आपको डेटा सेव करना होगा। यहाँ पर मैं जो मेरे पास 47 GB फ्री है, उस केस में मैं यहाँ पार्टीशन जो बनाने जा रहा हूँ वो एक्सटेंडेड बनाने जा रहा हूँ। तो एक्सटेंडेड कहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस डिस्क यूटिलिटी में? यहाँ आप देख सकते हैं टाइप शो कर रहा है, और टाइप के सामने इसका फाइल सिस्टम शो कर रहा है जो कि HD4 है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंडेड आ रहा है, एक्सटेंडेड लास्ट में देखिए, एक्सटेंडेड पार्टीशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट कर देंगे तो ये आपका एक्सटेंडेड पार्टीशन 40 GB क्रिएट हो गया है, और उसके नीचे ये फ्री स्पेस दे दिया है। जैसे आप फ्री स्पेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्रिएट अ न्यू पार्टीशन अगेन आने लगेगा। यहाँ क्लिक करेंगे दोबारा से आप इसके अंदर लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हो। इस केस में आप सिर्फ और सिर्फ 15 लॉजिकल पार्टीशन ही क्रिएट कर पाएंगे। मैं यहाँ पर एक पार्टीशन 4.5 GB का क्रिएट कर रहा हूँ, वॉल्यूम नेम दिया और यहाँ से जो फाइल सिस्टम है वो EXT4 है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये बोल रहा है एन एरर्ड अकरिंग अकर्ड वाइल परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन, तो ये फेल कर गया है। इसमें करना क्या होता है कि जब भी हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो अगर हम सिस्टम को रिस्टार्ट कर दें तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लेता है। रिस्टार्ट करते हैं।
ये देखिए सिस्टम रिस्टार्ट हो गया है, दोबारा से लॉगिन करते हैं। देन अगेन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, सिस्टम टूल पे जाएंगे, डिस्क यूटिलिटी, ड्राइव, हार्ड डिस्क। देन यहाँ पर आपने देखा वो जो पार्टीशन मैंने क्रिएट किया था वो बन गया था लेकिन फॉर्मेट नहीं हो पाया, तो यहाँ दोबारा से फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने के बाद आपने देखा ये आपका पार्टीशन यहाँ पर सेलेक्ट करने पे डिवाइस के सामने /dev/sda5 नंबर शो कर रहा है कि ये पार्टीशन का नंबर है। ऐसे ही आप फ्री स्पेस पे क्लिक करके क्रिएट पार्टीशन, अलग अलग पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, मैक्सिमम लेकिन 15 ही रहेंगे इंक्लूडिंग sda5/dev/sda5। सो अभी इस पार्टीशन को अगर यूज करना है तो यहाँ पर आपको माउंट करना पड़ेगा। माउंट पे क्लिक करेंगे तो ये पार्टीशन डिफॉल्ट लोकेशन मीडिया के अंदर माउंट हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे शो हो गया। अब इसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, कोई भी आप फाइल, एप्लीकेशन, फोल्डर, कुछ भी डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। दोबारा से जाते हैं एप्लीकेशन पे एक बार। सो यहाँ पर ये ऐसे ही आप अलग अलग पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। माउंटिंग क्या होता है ये हम अगले सेशन में सीखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पार्टीशनिंग कैसे करते हैं हार्ड डिस्क में और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हार्ड डिस्क को ओरिजिनल 6 में। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग।